हमारे जीवन में नमक और लाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति, लाइट, प्रकाश। और बिना नमक के आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खाना टेस्टी नहीं होता है। और ज़रूर आपने खाते समय कभी नमक मांगा होगा, अरे भाई ज़रा नमक पास करना, क्योंकि बिना नमक के खाना बिल्कुल स्वादहीन रहता है। और हमारे बॉडी को भी नमक चाहिए, हालांकि ज़्यादा नमक भी ठीक नहीं है, लेकिन इतना नमक कि आपका जो खाना है वो टेस्ट रहे उसमें। प्रकाश के लिए भी हम यही बात देखते हैं कि बिना प्रकाश के हम जी नहीं सकते हैं। जी हाँ, ज्योति, लाइट। और अंधकार में हम इधर उधर घूमते रहते, लेकिन प्रकाश में क्या है, सब चीज़ें दिखती हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए सूर्य का प्रबंध किया है ताकि हम प्रकाश पाएं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज जो मेरा जो मेन परमेश्वर का वचन आपके सामने रखना मानता हूँ वो है प्रैक्टिकली बीइंग सॉल्ट एंड लाइट। व्यवहारिक तौर से हम किस प्रकार से इस दुनिया में, अपने समाज में, अपने परिवार में, कुछ मेन बातों को, की पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा जिससे हम ये बता सकें कि हम किस प्रकार का व्यवहार कर सकें, जैसे कि नमक और ज्योति के समान। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ना मांगता हूं ताकि आप उस पर ध्यान दें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 पद से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके भीड़ के बीच में उसने ये उपदेश दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, विशेष करके हम जो विश्वासी भाई बहन हैं, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार किस प्रकार से एक नमक का काम कर सकता है, एक ज्योति का काम कर सकता है। आइए हम पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सारे लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ तक 13 से लेकर के मैं 16 तक आपके सामने ये पद पढ़ा। मेरे मित्रों, इसके ऊपर तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम कुछ मेन बातों पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में, डेली दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम लोगों के लिए, विशेष करके अविश्वासियों के लिए और विश्वासियों के लिए भी नमक का टेस्ट दूसरों को दे सकते हैं, उनके जीवन में एक टेस्ट ला सकते हैं, एक स्वाद दे सकते हैं, उनके जीवन में एक ज्योति का कारण बन सकते हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। पहली बात, मैं विशेष करके 12 बातों को आपके सामने रखूंगा, और उसमें से पहली बात यह है कि इससे पहले कि मैं जगत में जाऊं, परिवार में देखूं या समाज में रहूं, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी मैं रहूं, मुझे अपने आप को अंदर से एक प्रकार से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आत्मिक इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत करना, अंदर से हम पक्के बने, आत्मिक परिपक्वता हम में आए, हमारे सोच विचार, हमारे थॉट, हमारी कल्पनाएं और ये सब बातें जो हैं परमेश्वर के वचन में ड्रंच हो जाए, भीग जाए। और इसके लिए मैं पहली पॉइंट ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन का मनन करें ताकि आप दिन भर की चर्या के लिए तैयार रहें और जो भी काम आपको दिया जाता है उसको विश्वास योग्यता के साथ कर सकें। सो बाइबल मनन और प्रार्थना, ये दो ऐसे पांव हैं जिसके बिना हम आत्मिक जीवन में नहीं चल सकते हैं। प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातें और
आप जो भी उनके आपके दिल में बात है उसके सामने रखें, आपकी कमजोरी अच्छाइयाँ किस प्रकार से आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बस उसके सामने अपने आप को उंडेल दें। और दूसरा है परमेश्वर का वचन, दूसरा पांव कि सिर्फ बाइबल को ना पढ़ें लेकिन उस पर मनन करें और उस पर अध्ययन करें और उसको याद करें, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हर समय तो हम अपने बाइबल को साथ नहीं ले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाइबल के कुछ पोर्शन भाग यदि हमारे दिमाग में है तो ज़रूर हम अपने जीवन में धार्मिकता का फल ला सकते हैं या पवित्र आत्मा का फल ला सकते हैं। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे पढ़ें। पहली बात, आप अपने आप को मजबूत करिए। हम अपने आप को मजबूत करें प्रभु के वचन में और परमेश्वर की संगति प्रार्थना के द्वारा। दूसरी बात, यह प्रैक्टिकल रूप से मैं यहाँ बता रहा हूँ, आजकल एक प्रकार का चलन चल चुका है, अगर हम ऑफिस जाते हैं तो लेट पहुँचते हैं, चर्च जाते हैं तो लेट पहुँचते हैं, स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो लेट पहुँचते हैं। क्या ये सही है? परमेश्वर के सेवक के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे साहब, फिर हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि अरे क्या करें, बस उठने में देरी हो गई, कुछ ना कुछ बहाना हम ढूंढते हैं। नहीं, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि आप कॉलेज, ऑफिस या आपने जहाँ भी आपका अपॉइंटमेंट है वहाँ लेट ना पहुँचे। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो एनजीओ हो या गवर्नमेंट का ऑफिस हो या जहाँ भी आप काम करते हैं, आप टाइम से पहले पहुँच जाएं, दूसरे लोग आपको नोट करेंगे। अगर सब लोग लेट आते हैं, इसका मतलब आप जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपको लेट जाने का कोई अधिकार नहीं है। हम विश्वासियों को कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने जो रखा हुआ है टाइम, उसको ध्यान में रखना है। अगर मेरा ऑफिस 10 बजे खुलता है तो मुझे 9:45 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जी हाँ, और इसके लिए आपको अपने मन में दृढ़ता करना है कि बस मुझे 9:45 बजे पहुँचना है, या कॉलेज मुझे 9:45 बजे पहुँचना है। अगर आपका कॉलेज 10 बजे शुरू होता है, कहने का मतलब 5-10 मिनट पहले आप पहले पहुँच जाएँ। जी हाँ, तो इससे क्या होगा, लोग आपको देखेंगे एक बार, दो बार, 10 बार हर दिन, अरे साहब आप टाइम से आते हैं। हाँ, टाइम से आते हैं, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेविका, प्रभु की सेविका हूँ, या प्रभु को प्यार करता हूँ। उसने कहा कि हर काम ठीक से हो और टाइम से आना है। आपको भी टाइम से आना, भाई साहब, बहन जी, आपको भी टाइम से आना चाहिए, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। कॉलेज में आप टाइम से जा रहे हैं, या जहाँ कहीं भी आपको, अगर किसी ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, भाई साहब इस टाइम में मुझे आपसे मुलाकात करनी है, ना 11 बजे, तो ऐसे नहीं कि 11:30, 12 बज रहे हैं और अरे सॉरी भाई, सॉरी जी। देखिए, सॉरी से कोई काम नहीं होगा। मुझे याद है कि एक बार किसी को मुझे लेने के लिए आना था और वेट करता रहा, फाइनली मुझे खुद अपना इंतज़ाम करना पड़ा। बाद में उस बड़े अच्छे भाई ने फ़ोन किया कि भाई माफ़ करना, मैं भूल गया। ठीक है, भूल गए, चलो, लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें क्या करना है, व्यवहारिक रूप से अपने जगह, जहाँ भी अपॉइंटमेंट है, किसी से मिलना है, ऑफिस जाना, कॉलेज ऑफिस, टाइम से जाएं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो टाइम से पहले निकलना है। अगर 4 बजे छुट्टी होती ऑफिस की तो 4:45 ना आए, बल्कि 5-10 मिनट रुक करके आए, क्योंकि जो टाइम ऑफिस वालों ने, अधिकारियों ने आपके लिए रखा है, वो आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है ना, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? मेरे ख्याल में आप सिर तो हिला रहे होंगे, हाँ यार ये ठीक बात है। मैं अब आप निश्चय कर लीजिए कि आप टाइम से पहुँचे अपने गंतव्य स्थान पर और टाइम से पहले अपने कार्य को छोड़े ना, पूरा करके आप आए। तो कितना अच्छा, एक आप दूसरों के लिए एक उदाहरण छोड़ देंगे, एक मॉडल छोड़ देंगे, आप नमक बन जाएंगे उनके लिए, एक ज्योति बन जाएंगे। यार वो देखो, फलाना फलाना व्यक्ति मसीही है, विश्वासी है, लेकिन अपना टाइम अच्छा रखता है, अच्छा गवाही है ये। दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात बाइबल मनन, दूसरी बात टाइम से पहुँचना, तीसरी बात आजकल मैंने देखा है कि बड़ी ऐसी प्रवृत्ति चली है, जहाँ दीवार देखते थूक देते हैं, जगह जगह आप देखेंगे थूक से सना हुआ है, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, बहुत बुरी आदत है।
इससे गंदगी फैलती है, मक्खियाँ आती, उससे और बीमारी का कारण बनता है। हमें अपने आप को साफ रखना है और हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ भी साफ करना। तो इधर उधर न थूके, क्या मतलब है मेरा कि आप इधर उधर नहीं थूकें। जैसे कि कई लोग थूकते रहते हैं, बिना बात के थूकते रहते हैं, कुछ खा लिया थूक दिया जहाँ पे वो है। प्लीज़, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हमारा व्यवहार दुनिया के समान ना हो। तो तीसरी बात, आप इधर उधर ना थूके। चौथी बात, जब भी अगर आपके पास स्कूटर आप चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहने। जी हाँ, हेलमेट पहने, ये पॉइंट है। हमारे कई मसीह भाई क्या करते हैं, मसीह भाई बहन बिना हेलमेट के जाते हैं, स्कूटर में मोटर बाइक में हेलमेट अपने पास रखेंगे और जैसी दूर से पुलिस को देखेंगे अपने सिर पर रख लेंगे। पुलिस का डर है ना? अरे साहब, पुलिस का डर नहीं, परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर आपके पास परमेश्वर का डर है तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो भी लॉ है, जो भी नियम है हमारे देश का, उसे हमें पालन करना है। और एक पालन ये है कि हम हेलमेट पहन करके स्कूटर चलाएं, और जिससे कि क्या होगा, सेफ्टी होगी, है ना, हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। मुझे पता है, एक मेरा बहुत अच्छा प्रिय मित्र है, उसने हेलमेट पहना था और उसी हेलमेट की वजह से क्या हुआ कि वो किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो पूरा कार के अंदर घुस गया, दीवार कांच को तोड़ते हुए। हेलमेट था, बच गया वो। मेरे भाई, मेरे बहन, हालांकि ये छोटी बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन याद दिला रहा हूँ एक मसीह विश्वासी के लिए, जब भी आप स्कूटर चलाएं, हेलमेट अच्छी तरह से पहने ताकि आपकी सेफ्टी हो। परमेश्वर ने आपको सेफ्टी के लिए बनाया, एक तरह से आप समझ लिए उद्धार का टोप है ये, कि आप अपने सिर को बचा के रखें। एक्सीडेंट का कुछ नहीं पता कब हो जाए, है ना, तो आपको और मुझको होशियार रहना। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा आप इस्तेमाल करें, तू नहीं। हाँ चलो, फ्रेंड्स के बीच में हमने कर लिया, लेकिन साधारणतः दुकान वाले, धोबी वाले, सब्जी वाले, हमारे और भी दूसरे लोग हैं, हमेशा आप से बात करिए। अगर कोई आपसे ओहदे में नीचा है तो तू और तेरे ऐसे बात, ऐसी बातें ना निकाले, उससे बड़ा खरा, वो एक प्रकार का बहुत वो वैसा वाला अच्छा शब्द सुनाई नहीं देता। आपकी बात कैसी हो, सलोनी हो, अनुग्रह से आपकी बातें हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत अच्छा पद है, कुलुसियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 6वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुलुसियों 4:6, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कितनी अच्छी बात है, जब भी हम किसी से बात करें, अपने दोस्त से या अपने कलीग से, अपने लोगों से, रिस्पेक्ट के साथ बात करें, कर्टेसी के साथ बात करें, धीमे आवाज़ में बात करें, चिल्ला चिल्ला करके नहीं कि हाँ भाई मैं भी हूँ इस दुनिया में, इस तरह की बात है, नहीं, आप बड़े कर्टेसी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप बात करें। दूसरा भी व्यक्ति जब वो सुनता है मीठा वचन, तो उसको भी अच्छा लगता है सुनने में, है ना। तो बातचीत करने में कठोरता और खराशपन, काटने छाटने वाली बात और उस प्रकार का टोन ना रखें, लेकिन एक फ्रेंडली, एक दोस्ती वाला, एक एक आत्मिक संबंधित वाला टोन रखें। भाई साहब, आप कैसे हैं, अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके, अच्छा अच्छा, और बताइए। आपका टोन एक मसीही टोन होना चाहिए। बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। मीठी बातें, मीठे जो स्वर होते हैं, वो पत्थर को भी पिघला देते हैं। नीति वचन पूरा इसके बारे में कहता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ें, हमने अभी बात किया बातचीत के बारे में, कि बातचीत आपका अनुग्रह के साथ हो, स्पीच जो है स्वीट हो, मीठा हो। फिर 6वीं बात, आप जब अपनी गाड़ी चलाते हैं, चाहे कार या स्कूटर या जो भी गाड़ी चलाते हैं, स्पीड लिमिट से ज़्यादा ना जाएं। अगर वहाँ लिखा है कि 60 किलोमीटर स्पीड है, तो 80 और 90 में ना जाएं। भाई ये आपके लिए भी सुरक्षित है और दूसरों के लिए भी,
कई लोग मैंने देखा हमारे मसीह भाई बहन स्पीड में जाते हैं, गाना वाना खूब गाते हैं चर्च में इधर उधर बढ़िया, लेकिन गाड़ी जैसे ही हाथ में आ गया तो साहब कभी कभी मैं भी घबरा जाता हूँ। मैं बोलता भाई साहब जरा धीरे चलिए धीरे चलिए। हाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही घर में, मजाक से ऐसे बोलता हूँ। विश्वासी भाई है, विश्वासी बहन है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो क्या होगा, बेइज्जती होगी कि नहीं? तो गाड़ी जब भी आप चलाएं तो स्पीड लिमिट से ज़्यादा ना चलाएं, बड़े ध्यान से देखते रहे कि कोई आ जा तो नहीं रहा है जिससे उसको चोट ना पहुँचे। फिर सातवीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हमारे अधिकारी जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन हो सकते हैं, हैं गवर्नमेंट है, समाज में उन्होंने जो भी अधिकार जो भी नियम बनाए हैं उसका हम पालन करें। जी हाँ, उनका पालन करें। एक जो बड़ा सा नियम बनाया है कि भाई कूड़ा इधर उधर ना फेंके, स्वच्छ भारत हमारा भारत है ना, या नारायण। तो ये जो भी नियम हमारे देश के अधिकारियों ने बनाया है, हमारे प्रांत के अधिकारियों ने बनाया है, हमें उसका आदर करना है, कंप्लेन नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर पिता की बड़ाई होती है और हम अपने देश का एक अच्छा नागरिक भी बन सकते हैं, बनना भी चाहिए। हम भारतवर्ष के हम नागरिक हैं और हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने जो नियम है उसको पूरा करने के द्वारा हम अपनी देशभक्ति दूसरों के सामने दिखा सकते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। जी हाँ, हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। तो ये तो हो गई सातवीं बात, है ना। उसके बाद आठवीं बात में क्या है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई सड़क से क्रॉस करना मांगता है और आपको हाथ दिखा रहा है, जनरली क्या होता है उसको बाईपास करके किसी तरह से आगे निकल जाते हैं। नहीं, आप अपनी गाड़ी रोकिए रोकिए और जो व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, माता हो, बहनें, उनको जाने दे, गाड़ी रोक दीजिए। पीछे से हॉंक होता रहेगा, पी 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 पी, नहीं, जो आगे सामने खड़ा है उसको क्रॉस करने दीजिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर उसके बाद नौवीं बात हम देखते हैं, और बात यह है आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स चीटिंग करने में नंबर वन हो गए। मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई विश्वासी ऐसे भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? हम चढ़ जाते हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के बेटे और बेटियाँ, और जाकर के पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं चीटिंग के द्वारा? नहीं, एक विश्वासी को कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, नकलबाजी ना, हमें नकल करना है ना दूसरों की सहायता करना है नकल करने में। जी हाँ, ये परमेश्वर को भाता है। इससे क्या है, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया नौवीं बात, एग्ज़ाम जो भी आप करते हैं उसमें जो भी आता है परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आप परमेश्वर के, आप स्टडी करिए और परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, तो परमेश्वर आपकी ज़रूर इसमें अगुवाई करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं दसवीं बात, आजकल फ़ोन जो है, अरे साहब ये बड़ी भारी चीज़ हो गई है। लोग फ़ोन में लंबा लंबा बातें करते हैं, है? और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं। फ़ोन में जब आप बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें। जितनी बात आपको करना है ठीक है करें, जो इम्पॉर्टेंट, लेकिन लगातार घंटों बातें करते रहते हैं। कोई अपना दोस्त यार होगा, कभी कभी प्रेमिका प्रेमी और ये सब चलता रहता है, तो प्लीज़ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर फ़ोन से बात करना भी ठीक नहीं है, आपके मस्तिष्क में ये तरंगे जो निकलती हैं फ़ोन से वो मस्तिष्क को पहुँचती है, तो ये तो साहब खतरे वाली घंटी है। आप चेक कर लीजिए इन तरंगों के बारे में, ये गूगल में आपको पता पड़ जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप फ़ोन पर बातें ना करें। ग्यारहवीं बात व्यवहारिक रूप से, किसी भी अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप और फेसबुक और तरह तरह के ट्विटर हैं जो है ना, जो उसमें आप अपने आप को दूर रखें। जी हाँ, उनसे दूर रहें, अनजान व्यक्ति से कभी भी संपर्क स्थापित ना करें। ऐसे कई केसेस हुए मेरे प्रिय मित्रों जिन्होंने अपना
सब कुछ खो दिया, अपनी शांति भी खो दी, कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में ना पड़े, और विशेष करके आजकल मीडिया के ज़माने में ना पूरा वो हो गया है दुनिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, तरह तरह की आजकल सोशल जो साइट्स हैं उसमें इतने बिजी हो गए हैं, बस फ़ोन को लिए बैठे रहते हैं और उसी को दबाए रहते हैं, बटन, टच बटन, आजकल टचिंग टच टेक्नोलॉजी जो है ना, बस उसी में लगे रहते हैं। एडिक्टेड ना होइए मेरे दोस्तों, एडिक्टेड ना होइए। कितने लोग एडिक्टेड हो गए, लत हो गई है, वो फ़ोन को छोड़ते ही नहीं हैं। और क्या होता है, टाइम का दुरुपयोग होता है, और जिसके साथ हमारा कांटेक्ट है उसके साथ भी बस ऐसे ही उसका भी टाइम दुरुपयोग हो रहा है। ये ईविल है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों में बढ़ेंगे तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित है ये। लेकिन मेरे मित्रों, होशियार रहिए कि हम अपने आप को बैलेंस में रखें, और मीडिया की, जहाँ तक मीडिया की बात है, आप इसमें थोड़ा परमेश्वर की बुद्धि इस्तेमाल करिए। आप एकदम बोले कि अच्छा भैया, दीदी, या जिसका भी नाम, जो भी आप बोलना, मेरे ख्याल में हमने बहुत बात कर ली, या बहुत मैसेजिंग हो गई, या जो भी है, हम स्टॉप करेंगे, है ना। अपना पढ़ाई करो, स्टडी करो, या काम में जाओ। कई लोग लेट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उसी में बिजी रहता है ना, फ़ोन में। होशियार रहिए, तो अनजान व्यक्ति से विशेष करके आप कोई ऐसा संपर्क ना करें। बारहवीं बात और आखिरी बात मैं बताना मांगता हूँ, हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने का मतलब है, जो भी काम दूसरे लोग आपके लिए करते हैं, चाहे वो एक गिलास पानी ही क्यों ना हो आपको दे रहा है, धन्यवाद बोलना ना भूलें, है ना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद, आपने ये काम किया, चाहे वो छोटा काम क्यों ना हो। आप ग्रोसरी लेने जाते हैं बाज़ार में, सब्जी सामान लेने जाते हैं, सब्जी वाले को धन्यवाद बोलिए, उससे वो खुश हो जाएगा, मुस्कुरा देगा। आजकल ये धन्यवाद बोलने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बस फटाफट सब्जी लिया, सामान लिया और रफू चक्कर, चलो गायब। अरे साहब, आप अपने जीवित लोगों से बात कर रहे हैं, जो आपको सामान दे रहा वो भी एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर ने उसको भी अपने स्वरूप में सृजा। अरे कम से कम धन्यवाद की बात तो कर सकते हैं ना, हैं, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। मेरे ख्याल में आप सिर हिला करके मेरे साथ सहमत ज़रूर हैं, है ना। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि बारी बात जो हमने बताई वो है कि हम अप्रिशिएट करना ना भूलें, थैंक यू बोलना ना भूलें, धन्यवाद छोटे काम के लिए भी धन्यवाद बोलें। तो ये 12 बातें मैंने आपके सामने आज रखा है, और आशा है कि ये व्यवहारिक रूप से हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में दूसरों के लिए एक टेस्ट ला सके, दूसरों के जीवन में बदलाहट ला सके। हम एक भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह के, हमारा इस संसार में ज़्यादा समय नहीं है, हमारा संसार, हमारी दुनिया कहीं और की है, स्वर्ग की है। तो जितना दिन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, हम ज्योति के समान चमके, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखा उसके द्वारा। अंत में मैं आपके लिए एक पढ़ूंगा पद, पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 10:31, 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय 31 पद, क्या लिखा हुआ है सुनिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कितना अच्छा है, है? हम इस दुनिया में हैं, और हम संसार में, समाज में, परिवार में हैं, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा सोच विचार, हमारी कल्पनाएं जो है परमेश्वर को भाए, दूसरों को भाए, हम दूसरों के लिए एक नमक का स्रोत बन जाए। मैं फिर से ये पद आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 पद से, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं,
केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रख देते हैं, तब उससे घर के सारे लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। वो घर समाज हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। ऐसा होगा ना? इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखूँ। परमेश्वर हमारी अगुवाई करें।